You won the competition. Aren't you going to give us a party, Usha? We want a party! 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 We It's so beautiful to know that he loves you. So beautiful to know that he cares. And when you know that he loves you, all the world seems to decay. परेशान और घबराई हुई नजर आ रही। माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे केमिस्ट की दुकान पर जाना है। तो आइए मैं आपको छोड़ दूं। जी जी हाँ, इस वक्त आपको बस या टैक्सी तो मिलेगी नहीं। आइए आइए आइए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। दुकान तो बंद है शायद दिवाली की वजह से। अब क्या होगा? आपको कौन सी दवाई चाहिए? स्मेलिंग सॉल्ट। वो तो मेरे पास भी है, आप कहें तो घर से दे दूं। इस वक्त और तो कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है। आइए। ये आपका घर है? ये तो महल है। कहने को ही महल है। आइए। मैं दरवाजा खोलता हूं। आइए। मैं यहीं खड़ी रहती हूँ, आप दवाई यहीं भिजवा दीजिए। आप यहाँ खड़ी रहेंगे ये अच्छा नहीं लगता, दिवाली की रात है,
मेहमान का घर आना लक्ष्मी के बराबर है। अब यहाँ तक आई गई हो तो घर भी देख लीजिए, मेरा मतलब है महल। आइए, घबराइए नहीं, चलिए। इतने बड़े महल में क्या आप अकेले रहते हैं? जी नहीं, मेरे साथ मेरे बहुत से ख्याल भी रहते हैं। आप खैरी में दवा लेकर आता हूं। आप खाम खां घबरा गई, ये महल के कुत्ते हैं, भौंकते हैं काटते नहीं। आइए आइए, चलिए ना, आइए आइए, आपको दवा दूं, चलिए। दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दवाई कहाँ है? मुझे दवाई दीजिए ना। इतनी जल्दी क्या है? बैठो। नहीं, मुझे जाने दीजिए, माँ की तबीयत ज्यादा खराब है। जाने कैसे दी? जानती हो आज दिवाली की रात है और मैं ना जाने कब से तुम्हारे लिए अपने दिल का दिया जला चुका हूँ। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? ए हिम्मत, उठ जाओ जाओ। मैं तुम्हें शरीफ समझकर तुम्हारे साथ आई थी, छोड़ो मुझे। मैं भी तुम्हारी खूबसूरती की एक जमाने से पूजा कर रहा था, तुम्हारी सूरत अपनी उम्मीदों की तस्वीर से मिला मिला के देख रहा था। मैं तुम्हारे गंदी बातें सुनना नहीं चाहती, छोड़ो मुझे। छोड़ कैसे दो, एक मुद्दत की तमन्ना के बाद तुम मेरे हाथ आई हो। खबरदार, इसका नतीजा ठीक नहीं होगा, हट जाओ नहीं तो गोली चला दूंगी। तुम गोली चला सकती हो? मैं एक बार फिर कहती हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से। चलाओ गोली, चलाओ। अब तुम कुछ भी कहो, तुम मेरे काबू में हो। अब तुम इस महल की चार दीवारी से बाहर कभी नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? इसलिए कि तुम खूनी हो। खूनी? मैंने किसका खून किया है? देखना चाहती हो तो आओ मेरे साथ। बहू तुम्हारी शक्ल। ये किसकी लाश है? नहीं नहीं, ये झूठ है, मैं भला इसका खून क्यों करने लगी? अमीर बनने के लिए, तुम जानती। नहीं नहीं, ये झूठ है। ये झूठ अब सच है, क्योंकि पिस्तौल पर तुम्हारी उंगलियों के निशान और लाश के सीने में इस पिस्तौल की गोली मौजूद है। इसलिए अब जो मैं कहूंगा तुम्हें वही करना होगा, वरना। वरना क्या? वरना मैं पुलिस को इत्तला दे दूंगा और वो तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डालकर तुम्हें अदालत में पहुंचा देगी और अदालत तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटका देगी। फांसी? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर तरस खाओ, मेरी बूढ़ी माँ पर तरस खाओ। तो फिर आज से तुम प्रिंसेस ऊषा हो, ये महल तुम्हारा है, मिलने वाली बेइंतहा दौलत भी तुम्हारी है। नहीं, मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए जो किसी के खून की कीमत बन जाए। औलाद को माँ बाप से जुदा कर दे, मुझे अपने माँ बाप के पास पहुंचा दीजिए। तो फिर ऐसी दौलत मिलने से पहले मर जाना अच्छा है। अच्छी बात, देखता हूँ तुम कैसे जिंदा रहती।
हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ देखिए पैलेस में खून हो गया है, फौरन आ जाइए। तुम्हारी मौत का सामान। आखिर तुम मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? क्योंकि तुम मौत से खेलना चाहती हो। तुम्हें जिंदगी प्यारी नहीं, लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि मौत कितनी भयानक होती है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। मेरे माँ बाप मेरे बिना मर जाएंगे, मैं उनका एक ही सहारा हूँ। मैं तुम्हारे पाँव पर भी और पर तरसता हूँ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अगर आप कहें तो मैं उन्हें जगा देता हूँ, लेकिन बेहतर यही होगा अगर आप कल सुबह उनसे मिल लें। अगर इस वक्त जगा दिया तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तकलीफ कोई बात नहीं, मेरी नौकरी ऐसी मेरी नजरें तुम्हारी समझ से ज्यादा दूर देखती। अगर आइंदा भागने की कोशिश की तो इस पर्दे के पीछे नहीं, मौत के पर्दे के पीछे छुपा दी जाओगी, समझी? मेरे जाल में आई हुई चिड़िया उड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं उसके पर कतर देता हूं। तुम्हारी ये लंबी जुल्फ जो तुम में और प्रिंसेस उषा में दीवार बनी खड़ी, मैं उनको हमेशा के लिए मिटा दूंगा। मेरे मैं तुम्हें नहीं करने मेरे साथ। ऊपर राजमहल में। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे मेरी माँ के पास ले जाइए। पता नहीं रात भर की क्या हालत हुई होगी। बेवकूफ लड़की, इतना नहीं समझती कि मैं तुझे अनाथ आश्रम से उठाकर क्या से क्या बना देना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं बनना। कैसे नहीं बनना, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें गरीबी की कीचड़ से उठाकर इस जन्नत में लाया, और तुम फिर वापस उसी कीचड़ में जाना चाहती और देखना चाहती हो? आओ। ये देख, ये कीमती पोशाकें, ये हीरे जवाहरात, ये ऐश और इश्रत के सामान सब तुम्हारे कदमों में। कल तक तू इनकी मोहताज, आज ये तेरे मोहताज। बेवकूफ लड़की, तू दुनिया की सबसे दौलतमंद औरत प्रिंसेस उषा, ये महल, यहाँ की हर कीमती चीज नौकर चाकर सब तेरे एक इशारे के गुलाम। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। मुझे मेरे माँ बाप के पास भेज दीजिए भगवान के लिए। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आओ बैठ, बैठ जाओ, डरो नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन एक शर्त है, जब तक तुम्हारी सालगिरह ना हो जाए तुम्हें इसी महल में प्रिंसेस उषा बनकर रहना होगा। और जिस वक्त तुम इस दौलत की मालिक बन जाओगी जो कि तुम्हारी सालगिरह पर तुम्हें मिलने वाली, तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। सालगिरह कब है? आज से तीसरे दिन। सीधी तरह चलना भी नहीं आता क्या? सीधी तरह चल। ऊंची एड़ी है, हाई हील है, हाई हील, बैलेंस करके चलो। साइकिल नहीं चलाया कभी? सांस सुनो। तंदूरी चिकन प्लीज टेस्ट। मुझे नहीं चाहिए। थोड़ी बिरयानी ले जाना, नहीं चाहिए। ऑल राइट सर। मुझे दाल चाहिए। हाँ हाँ हाँ, दाल लाओ।
कितनी गलत आदमी। आप जाइए ड्रेसिंग करके आइए, जाइए। सॉरी सर, हमारे खता बिल्कुल ये थी। सॉरी का बच्चा।